स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो टॉपिक क्या है आज का? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, क्या क्या कर लिया? बाइनरी फिशन कर लिया, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये सब टॉपिक तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो अभी क्वेश्चन है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? ठीक है, तो ये हम लोगों को समझना होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, देखो, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी भी बोल सकते हैं, या फिर बॉडी इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट, नया प्लांट डेवलप होगा फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, नाउ द पार्ट व्हिच आर इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो प्रोसेस में अगर कोई भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। एंड वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल को हम लोग कभी कभी क्या क्या बोल सकते हैं? इट इज द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का डेफिनेशन अबाउट वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो डेफिनेशन में क्या समझ में आया? अगर कोई भी प्लेन बॉडी डेवलप होता है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी, इट मे बी फ्रॉम बड, इट मे बी फ्रॉम ट्यूबर, इट मे बी फ्रॉम लीफ, इट मे बी फ्रॉम स्टेम। ठीक है, कहीं से भी अगर कोई भी नया प्लेन बॉडी डेवलप होता है देन इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हो गया। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है, यहाँ पे देयर आर टू मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन? एक जो होता है, जो अर्लियर क्लास में मैंने शायद डिस्कस भी कर लिया है, वन इज कॉल्ड एज नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वन इज कॉल्ड नेचुरल मेथड एंड अदर वन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, अभी हम लोग को डिस्कस करना होगा What are the different types of vegetative propagation found in natural method? Clear? तो अभी चलते हैं हम लोग the types of vegetative propagation या फिर natural। तो हम लोग start करेंगे natural method of vegetative propagation। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? First method जो है वो है tuber। Tuber हम लोगों ने first year में morphology of flowering plant में already करा है। किस topic में? In the which topic? मॉडिफाइड स्टेम के टॉपिक में हम लोगों ने ट्यूबर को किया। तो ट्यूबर क्या है? देखो, ट्यूबर आर अंडरग्राउंड फ्लेशी स्टेम। ट्यूबर क्या है? अंडरग्राउंड फ्लेशी स्टेम है। फ्लेशी स्टेम होने का मतलब क्या है? दे यूज टू स्टोर फूड। एंड ये जो अंडरग्राउंड फ्लेशी स्टेम जो है, व्हिच है बर्ड्स ओवर देयर नोड्स। बर्ड कहाँ पे होता है? नोड पे होता है। और इन केस ऑफ ट्यूबर द नोड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज आईज। ठीक है, नोड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज आईज which produce new plantlet। And इसका अगर example अगर देखो, potato। First year में एक question बहुत common था, why potato is regarded as stem? याद है कि नहीं? Morphology of flowering plant में होता था, why potato is regarded as stem? क्योंकि potato के structure में क्या होता है? देखो, eyes होता है, and eyes of potato is regarded as nodes। तो node या फिर internode जो है, इसका characteristic feature होता है स्टेम का। दैट इज वाई ट्यूबर जो है, ट्यूबर को हम लोग स्टेम के कैटेगरी में लाते हैं। तो ट्यूबर अगर देखो, फिर से मैं रिपीट करूँ, व्हाट इज ट्यूबर? ट्यूबर आर द अंडरग्राउंड फ्लेशी स्टेम व्हिच हैव बड्स ओवर देयर नोड्स और आई। नोड को आई भी बोला जाता है। एंड यही बड्स है नया एरियल स्टेम या फिर प्लांट डेवलप होता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल अगर देखो, पोटेटो, तो हम लोग एक इमेज भी देख लेते हैं इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर जो है, दीज आर द आईज ऑफ पोटेटो। क्लियर? दीज आर द आईज ऑफ पोटेटो। क्लियर? ऑल दिस आईज ऑफ पोटेटो इज रिगार्डेड एज, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा भी होगा घर में। हम लोग घर में जब पोटेटो को अगर तुम लोग भी देख सकते हो, पोटेटो को जब अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये आई लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, व्हिच इज कॉल्ड एज आई और नोड ऑफ पोटेटो। एंड ये जो आई और नोड ऑफ पोटेटो है, इसमें क्या होता है? बर्ड्स होता है। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बर्ड, एरियल स्टेम डेवलप फ्रॉम दिस आई और नोड। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है, जब हम लोग
पूरा टॉपिक को और भी आगे लेके जाएंगे, देखेंगे कि मैक्सिमम केस में क्या हो रहा है, बट से ही क्या हो रहा है, प्लेंट बॉडी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखो व्हाई जनरली बर्ड इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लेंट पार्ट, ठीक है। इसका रीजन एक ही है, बर्ड्स कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद है कि नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स इट इज द रिपीडली प्रोपागेटिंग सेल्स और टिश्यूज इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये बर्ड के केस में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से इट कैन इजिली डेवलप इंटू ए और डिफरेंशिएट इंटू ए एरियल स्ट्रक्चर और पेरेंट बॉडी पार्ट। तो ये हो गया हम लोग का ट्यूबर। दूसरा जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है वो है बल्ब। बल्ब अगर देखो, ये व्हाई इट इज कॉल्ड एज बल्ब, शेप के हिसाब से अगर जाओ, जैसे ओनियन एंड गार्लिक दिखने में बल्ब जैसा दिखाई देता है, तो बल्ब इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। तो यहाँ पे अगर देखो, व्हाट इज बल्ब, बल्ब्स आर अंडरग्राउंड शूट व्हिच हैव वन और मोर बड्स। बल्ब के केस में क्या होता है, व्हाट इज बल्ब, अगर देखो बल्ब इज ए अंडरग्राउंड शूट व्हिच हैव वन और मोर बड व्हिच अल्टीमेटली डेवलप इनटू न्यू प्लांट। जैसे ओनियन एंड गार्लिक, गार्लिक के केस में क्या होता है, अगर एक इमेज हम लोग देख लेते, तो यहाँ पे देखो गार्लिक, यहाँ पे देखो गार्लिक का जो छोटा छोटा जो पार्ट होता है, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज बल्बलेट, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज बल्बलेट। तो बल्बलेट का जो टिप पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, बड होता है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बड, यहाँ से धीरे धीरे एरियल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो ये जो बल्ब जो है, बल्ब ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट बॉडी फ्रॉम ए पार्ट ऑफ बल्बलेट। तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। तो बल्ब इज द प्रोपाग्यूल इन केस ऑफ, इसके केस में ओनियन एंड गार्लिक। ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, नेम द प्रोपाग्यूल फाउंड इन ओनियन और गार्लिक। तो प्रोपाग्यूल का नाम क्या होगा, बल्ब, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया, देयर आर टू वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वन इज ट्यूबर एंड अदर वन इज बल्ब। तो ट्यूबर किसके किस में दिखाई देता है, पोटेटो। बल्ब अगर देखो, जनरली फाउंड इन ओनियन एंड गार्लिक, हो गया। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल है वो है राइजोम। तो राइजोम भी अगर देखो, राइजोम आर अंडरग्राउंड स्टेम्स व्हिच स्टोर फूड फॉर पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सर्वाइवल के लिए ये एज ए स्टोर फूड क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड मतलब बिलो द लेयर ऑफ सॉइल सरफेस होता है। तो ये जो राइजोम जो है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन, ये बात अच्छे से समझ लेना, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन कंडीशन व्हिच हैव बड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू शूट्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो ये पेरिनेशन के लिए कब यूज होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। सपोज समझो, राइजोम का फंक्शन क्या है, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट फेवरेबल फॉर ए पर्टिकुलर प्लांट जिनमें राइजोम होता है, दे प्रेजेंट एज अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, फॉर पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब फॉर टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, व्हिच हैव बड। और ये जो राइजोम, जो राइजोम में भी बड होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू शूट्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, देन दे यूज टू डेवलप एरियल पार्ट और प्लेन बॉडी। तो दैट इसको हम लोग बोलेंगे राइजोम। और राइजोम किसके केस में दिखाई देता है, राइजोम इज फाउंड इन केस ऑफ बनाना एंड जिंजर। तो हम लोगों ने देखा भी होगा, बनाना प्लेन के अगर झाड़ अगर अच्छे से देखोगे, तो प्लेन का देखो नीचे से जो मेन प्लेन बॉडी होता है, इसके आसपास से छोटा छोटा बनाना प्लेन का डेवलपमेंट होता है। तो उसको अगर तुम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो मिट्टी के नीचे राइजोम का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से जहाँ पे नोड होता है, एंड फ्रॉम द नोड राइजोम्स आर डेवलप। सेम इन केस ऑफ जिंजर भी यही होता है। यहाँ पे अगर देखो स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ और इमेज ऑफ ए जिंजर। यहाँ पे देखो स्केल लीफ होता है, एंड यहाँ पे देखो, मैं शायद क्लियर नहीं है इतना, बट स्टिल तुम लोग देख पाओगे, देयर इज अ बड। यहाँ पे देखो दीज आर द बड, ठीक है, बड और नोड भी बोल सकते हैं, एंड यहाँ पे देखो इंटर नोड भी लिखा है, ठीक है। तो ये जो नोड जो है, नोड में क्या होता है, बड होता है, एंड दिस बड इज अल्टीमेटली डेवलपमेंट टू एरियल स्ट्रक्चर। तो दिस वन इज फाउंड इन केस ऑफ बनाना एंड जिंजर। तो
क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगल फाउंड इन जिंजर, इट इज द राइजोम। क्लियर। नाउ राइजोम कैसे डेवलप होता है, इट इज ऑल्सो ए अंडरग्राउंड स्टेम जिसके क्या होता है बड्स होता है एंड दिस बड्स आर डेवलप इन टू न्यू प्लेन बॉडी। ठीक है। अभी फोर्थ जो टाइप ऑफ वेजिटेटिव नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो है रनर। ठीक है। तो रनर अगर देखो, व्हाट इज रनर, दीज आर नैरो ग्रीन हॉराइजेंटल ब्रांचेस। अच्छे से देखो, दीज आर नैरो ग्रीन हॉराइजेंटल ब्रांचेस डेवलप एट द बेस ऑफ क्राउन और एंड रूट। रूट के बेस या फिर क्राउन के जो बीज होता है उससे क्या होता है, एक हॉराइजेंटल ब्रांच डेवलप होता है एंड दिस हॉराइजेंटल ब्रांच इज नोन एज रनर। एंड अगर यहाँ पे अगर देखो, रनर जब टूट जाता है फ्रॉम द मेन पेरेंट बॉडी, दिस रनर अल्टीमेटली डेवलप इन टू ए न्यू प्लेन बॉडी। रनर अगर सेपरेट भी हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये वही रनर से क्या होता है नया प्लेन बॉडी डेवलप होता है। दैट इज वाई रनर इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर ए टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसका एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, देखो लॉन ग्रास। तो इमेज में देखो, ये देखो दीज आर द एरियल पार्ट, और दो एरियल पार्ट के बीच में देखो एक कनेक्शन है, दीज आर द कनेक्शन। हॉराइजेंटल ब्रांचेज आर डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ रूट भी बोल सकते हैं या फिर क्राउन। ये जो हॉराइजेंटल ब्रांच जो है, दिस हॉराइजेंटल ब्रांच इज कॉल्ड एज रनर। सपोज मान लो कि ये रनर को अगर हम लोगों ने सेपरेट भी कर लिया, कुछ दिन बाद यही रनर से क्या होगा, फिर से नया प्लेन बॉडी डेवलप होगा। और रनर के साथ यहाँ पे अगर देखो, एडवेंटिशियस रूट होता है व्हिच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर देयर डेवलपमेंट। ये हो गया एरियल शूट और क्राउन, नीचे होता है स्केल लीफ, एंड ये जो अगर स्ट्रक्चर देखो, दिस वन इज एडवेंटिशियस रूट। तो ये हो गया रनर व्हिच इज ऑल्सो एक्ट एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन केस ऑफ लॉन ग्रास। नेक्स्ट अगर देखो, नेक्स्ट वन इज द ऑफसेट। ठीक है। तो ऑफसेट अगर देखो, दीज आर रनर फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट। ऑफसेट क्या है, ऑफसेट भी एक टाइप ऑफ रनर ही है, बट ये कहाँ पे दिखाई देता है, दिस वन इज फाउंड इन केस ऑफ एक्वाटिक प्लांट। समझ में आ गया। अभी देखो, ये जो ऑफसेट जो है, ब्रेकिंग ऑफ ऑफसेट हेल्प इन प्रोपागेशन ऑफ न्यू प्लांट। जब ऑफसेट सेपरेट होता है फ्रॉम द मेन पेरेंट बॉडी, वही ऑफसेट से नया प्लांट का डेवलपमेंट होता है। एंड दिस टाइप ऑफ ऑफसेट इज फाउंड इन केस ऑफ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, देर इज अ प्लांट विच इज कॉल्ड एज वाटर हायसिंथ, विच इज उसका जेनस नेम क्या है, इकोर्निया। वाटर हायसिंथ और इकोर्निया एंड पिस्टिया, उसका कॉमन नेम क्या है देखो, वाटर लिट्यूस। तो ये देखो, दीज आर द रनर, ये भी एक टाइप ऑफ रनर है जो एक्वाटिक प्लेन में दिखाई। तो हम लोग अभी थोड़ा इमेज को देख लेते हैं, शायद तुम लोगों ने भी देखा होगा, इट इज वेरी कॉमन प्लेन इन आवर एरियाज। तो यहाँ पे देखो, दिस वन इज द पिस्टिया एंड दिस वन इज द वाटर हायसिंथ। तो पिस्टिया के केस में देखो, ये अगर दो एरियल स्ट्रक्चर है, बीच का जो कनेक्शन है वो ऑफसेट है। यहाँ पे भी देखो, वाटर हायसिंथ इज अ टू एरियल स्ट्रक्चर, और बीच में जो कनेक्शन होता है वो है ऑफसेट, एंड दे आर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ स्टेग्नेंट वाटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जनरली किस टाइप के वाटर में दिखाई देता है, दे आर जनरली फाउंड इन स्टेग्नेंट वाटर। स्टेग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग वाटर, जिसमें पानी का बहाव नहीं होता। ठीक है। स्टिल वाटर बॉडी में ये दिखाई देते हैं। अभी ये तो हो गया हम लोगों का ऑफसेट। अभी ऑफसेट अगर देखो, एक तो क्या होता है, दे आर वेरी सॉफ्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरेन्केमेटस टिश्यू। जब ये ऑफसेट सेपरेट होता है, ठीक है, वही ऑफसेट से नया प्लेन बॉडी डेवलप होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर देखो, जैसे हम लोग एग्जाम्पल दिया है इकोर्निया, इकोर्निया को बोला जाता है टेरर ऑफ बैंको। इकोर्निया के केस में क्या होता है, ये जब कोई भी वाटर बॉडीज में रहता है, दे आर स्प्रेड इन इनॉर्मस रेट, मतलब बहुत जल्दी इनका प्रोपागेशन होता है, एंड दे यूज टू कवर अप होल सरफेस ऑफ स्टील वाटर बॉडी, मतलब पूरा वाटर बॉडी जो है उसका सरफेस को वो ढक देता है। अभी इसमें क्या होता है देखो, कभी कभी हम लोग देखते हैं, लोग क्या करते हैं, उस जो जितना भी इकोर्निया या फिर वाटर हायसिंथ उस वाटर बॉडी में फॉर्म हुआ है, ईयर बाय ईयर या फिर आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड और इंटरवल में, वो लोग क्या करते हैं, पूरा वाटर बॉडी को साफ कर लेता है। ठीक है। साफ कर लेता है, मतलब जो जितना भी इकोर्निया पानी के ऊपर है उसको वो लोग क्लियर कर देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये टोटली खत्म हो चुका है,
मैंने ऑलरेडी बोला था इनका जो स्टोलन या फिर ऑफसेट जो है, ऑफसेट इज वेरी सॉफ्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरेन्काइमेटस टिश्यू। जब सफाई के टाइम पे जब अगर कोई भी फ्रेगमेंट ऑफ ऑफसेट पानी में रह जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, कुछ दिन बाद फिर से नया प्लांट डेवलप होता है। दैट इज वाई इनको जो है, इनका जो पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो जनरली ये वाटर हाइसिन के साथ रिलेटेड है, तो ये जो है इसके बाय ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ रिपीट प्रोपगेशन, इनको और एक टर्म गया दिया गया, इट इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बेंगोल। यहाँ पे लिखा है, तो मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया है, ये जनरली एग्जाम में आता है। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाई वाटर हाइसिन इज नोन एज टेरर ऑफ बेंगोल। व्हाई वाटर हाइसिन को टेरर ऑफ बेंगोल क्यों बोला जाता है, इसका रीजन अगर देखो, फर्स्ट रीजन है प्रोपागेट इन रेपिड रेन इन स्टैंडिंग स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, प्रोपागेट इन रेपिड रेट मतलब बहुत जल्दी इनका डुप्लीकेशन या फिर प्रोपागेशन होता है, कहाँ पे, स्टैंडिंग वाटर में। जब पानी में होता है, दे यूज टू एब्जॉर्ब डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडीज। पानी का जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्वाटिक लाइफ, मैक्सिमम डिजोल्व ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द वाटर हायसिन, एंड ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडीज, एक्वाटिक लाइफ आर अफेक्टेड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, एंड ड्यू टू द रेपिड रेट ऑफ प्रोपागेशन, वाटर हाइसिन जो है इसको क्या नाम दिया गया, टेरर ऑफ बेंगोल। और यहाँ पे अगर स्टोरी अगर देखो, वाटर हाइसिन इज नॉट द इंडिजिनस स्पीसीज ऑफ इंडिया। इंडिजिनस मतलब ये इंडिया का स्पीसीज नहीं है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये जो वाटर हाइसिन जो है इंडिया में कैसे आया, किसी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, क्यों, क्योंकि जो वाटर हाइसिन का जो फ्लावर जो होता है, फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड ड्यू टू दिस ब्यूटीफुल फ्लावर किसी ने वाटर हाइसिन को इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड किया था, एंड एक टाइम के बाद ये क्या हो गया, इट इज यूज टू स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया जहाँ पे भी स्टेगनेंट वाटर होता है। ठीक है, तो देट इज वाई, और इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, देट इज वाई इट इज कॉल्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। तो ये एग्जाम में आ सकता है, व्हाई वाटर हाइसिंथ इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तुम लोग जितना भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि इजीली तुम लोगों को समझ में आ जाए विद द प्रॉपर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को याद रखना होगा, जैसे अगर सिंपल मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, व्हाट इज द और नेम द प्रोपागुल फाउंड इन वाटर हाइसिंथ। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑफसेट। अगर सेम क्वेश्चन पिस्टिया के केस में होगा तो आंसर क्या होगा, यही होगा, ऑफसेट होगा। तो दैट इज वाई जितना भी टॉपिक है इसके साथ रिलेटेड जो जो एग्जाम्पल्स है, हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से तुम लोग याद रखना, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप, विच इज कॉल्ड एज लीव्स। क्लियर, तो लीव्स अगर देखो, लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स हैव एडवेंटिशियस बट, बहुत सारा लीफ ऐसा होता है जिनका केस में क्या, जिनके केस में क्या होता है, एडवेंटिशियस बार्ड होता है। जनरली दिस बार्ड्स आर प्रेजेंट एट द एजेस ऑफ लीव्स, एंड व्हेन दिस एडवेंटिशियस बार्ड आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन पेरेंट लीव, दे अल्टीमेटली डेवलप इनटू न्यू प्लेन बॉडी। जैसे इसका अगर एग्जांपल अगर देखो, ब्रायोफाइलम एडियंटम एंड बिगोनिया, इनके केस में ये लीफ बार्ड दिखाई देता है, इसको हम लोग कभी कभी लीफ बार्ड भी बोलते हैं। जैसे एक इमेज के हम लोग समझते हैं, दिस वन इज द इमेज ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, यहाँ पे नीचे भी लिखा है लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। तो यहाँ पे देखो, ये जो इनका जो लीफ होता है, एरियल लीफ, लीफ के एजेस में, एजेस मतलब साइड में देखो, बहुत सारा स्मॉल लीफ बार्ड होता है। और इस लीफ बार्ड का अगर स्ट्रक्चर अगर देखो, इसमें लीफ प्रॉपर लीफ भी होता है, एंड दे ऑल्सो कॉन्टेन एडवेंटिशियस रूट्स। यही लीफ बर्ड जब सेपरेट होता है फ्रॉम द मेन लीफ, यही से इनका डेवलपमेंट होता है एज ए न्यू प्लेन बॉडी। और ये जो ब्रायोफाइलम जो है, ब्रायोफाइलम इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली, या फिर इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू विच ब्रायोफाइलम इज जनरली यूज इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। जनरली ये किसके ट्रीटमेंट में काम आता है, जनरली इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेस, या फिर हम लोग का पेट का रिलेटेड अगर कोई डिजीज होता है, जनरली उनके केस में ब्रायोफाइलम इज वेरी यूजफुल। और ब्रायोफाइलम भी लगभग
इकोनिया जैसा या फिर वाटर हाइसेंथ जैसा ही है, इनका रेट ऑफ प्रोपागेशन बहुत बहुत जल्दी हो जाता है और दे कैन सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ कंडीशन। तो ये हो गया हम लोग का लीफ बट, एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज बुलबिल। ठीक है, तो बुलबिल क्या है, देखो दीज आर मल्टी सेलुलर फ्लेशी बर्ड। बुलबिल क्या है, दीज आर मल्टी सेलुलर फ्लेशी बर्ड्स डेवलप ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, फ्लेशी बर्ड जो है डेवलप कहाँ पे हो रहा है, देखो फ्लोरल एक्सिस में। फ्लोरल एक्सिस मतलब द पार्ट ऑफ ब्रांच या फिर स्टेम जहाँ पे फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, तो फ्लोरल एक्सिस में इसका डेवलपमेंट होता है। एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, जैसे पाइनएप्पल, डायोस सूर्या, या फिर मैंने यहाँ पे और एक एग्जाम्पल नहीं दिया, एगेव। ठीक है, तुम लोगों का टेक्स्ट बुक में नाम लिखा होगा एगेव। पाइनएप्पल भी एक टाइप ऑफ बुलबिल है, याम जो है यह भी एक टाइप ऑफ बुलबिल है। तो बुलबिल क्या है, देखो दीज आर मल्टी सेलुलर फ्लेशी बर्ड्स। मल्टी एक तो मल्टी सेलुलर होता है प्लस फ्लेशी इन नेचर, डेवलप ऑन फ्लोरल एक्सिस एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बुलबिल। तो यहाँ पे हम लोग इमेज भी देख लेते हैं, नॉर्मली प्लेन बॉडी में कैसे दिखाई देता है। यहाँ पे देखो बहुत सारा बर्ड्स है ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस में देखो दीज आर ऑल दीज आर बुलबिल। यही बुलबिल जो है जहाँ पे देखो होल्ड भी किया हुआ है, ये हो गया एक बुलबिल, ये भी एक बुलबिल है, यहाँ पे भी और एक है। ये जो बुलबिल जो है व्हेन दिस जर्मिनेट, जर्मिनेट मतलब प्लेन बॉडी से सेपरेट होकर जब होने के बाद जब ये सोयल के ऊपर जाके गिरेगा, यही बुलबिल से नया प्लांट डेवलप होगा। यहाँ पे हम लोग और भी इमेज देख लेते हैं। दिस वन इज द इमेज ऑफ एगेव। तो यहाँ पे देखो एक बुलबिल को हम लोग देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये जो एक बुलबिल जो है सिंगल बुलबिल को देखने में ऐसा दिखाई देता है। तो ये जब प्लेन बॉडी से सेपरेट हो जाता है, यही से देखो नया एरियल स्टेम या फिर एरियल बॉडी पार्ट फॉर्म होगा एंड अल्टीमेटली डेवलपमेंट हुए न्यू प्लेन बॉडी। तो बुलबिल इज ऑल्सो एक्ट एज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल इन केस ऑफ हायर प्लेन्स। ठीक है, इन केस ऑफ एगेव या फिर पाइनएप्पल। ये हो गया, यहाँ तक हो गया हम लोग का द प्रोसेस ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अभी चलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज इन्वॉल्व। पहले समझ लेते हैं ये क्या है। दीज आर मैन मेड मेथड। ठीक है, दीज आर मैन मेड मेथड और ऑल्सो कॉल्ड हॉर्टिकल्चरल मेथड। क्लियर, व्हाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल, बिकॉज दीज आर मैन मेड मेथड्स और ऑल्सो कॉल्ड हॉर्टिकल्चरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड सम मेथड्स आर एज फॉलो। तो क्या क्या मेथड जो है मैन मेड मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पे अगर देखो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ और मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कटिंग, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लेयरिंग, थर्ड वन इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपागेशन। कटिंग का मतलब क्या है, किसी भी प्लेन पार्ट, इट मे बी रूट, इट मे बी स्टेम और इट मे बी लीफ, उसको हम लोग काट के उस कटा हुआ पार्ट से नया प्लेन बॉडी डेवलप हो सकता है। तो स्टेम कटिंग तो ये हम लोगों को पता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ कटिंग। जैसे हम लोग घर में भी देखते हैं कोई भी प्लेन को हम लोग क्या करते हैं, जो मेच्योर स्टेम होता है उसको काट के उसी से हम लोग नया प्लेन डेवलप कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने घर में देखा भी होगा रोज का जो स्टेम होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक रोज प्लेन जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है या फिर मेच्योर होता है, उसका कोई ब्रांच, ओल्डर ब्रांच को हम लोग काट के वही ब्रांच से नया प्लेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ कटिंग। दूसरा जो मेथड है वो है लेयरिंग। लेयरिंग में के नाम से ही समझ में थोड़ा बहुत आइडिया ले लो। लेयरिंग मतलब प्लेन ब्रांच जो होता है, मेच्योर ब्रांच ऑफ प्लेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी मिट्टी से उसको लेयर्ड कर सकते हैं। मतलब मिट्टी या फिर क्ले लेके हम लोग उसको उसके ऊपर लेयर बना के उसी से नया प्लेन डेवलप कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मतलब जोड़ना। तो ग्राफ्टिंग थोड़ा अलग टाइप है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जनरली दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जो है, देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड इन केस ऑफ ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो एक प्लांट का रूट सिस्टम के साथ दूसरा प्लांट का शूट सिस्टम को
हम लोग फ्यूज करके, फ्यूज मतलब ज्वाइन करके नया प्लान डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग जब लेक्चर, हम लोग बाद में ये हर एक ग्राफ्टिंग को हम लोग डिस्कस भी करेंगे कैसे ग्राफ्टिंग प्रोसेस किया जाता है। तो ये हो गया कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपागेशन। तो माइक्रो प्रोपागेशन अगर देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज माइक्रो प्रोपागेशन? माइक्रो प्रोपागेशन मीन्स सिंपली समझो, इट इज अ टाइप, इट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर। तो ये प्लेन के केस में दिखाई देता है। वाई? बिकॉज प्लेन सेल का एक प्रॉपर्टी होता है, हम लोगों ने नाम सुना भी होगा, व्हिच इज कॉल्ड एज सेलुलर टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो ड्यू टू दिस नेचर ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी, हम लोग जो है कोई भी प्लेंट सेल से नया प्लेंट बॉडी डेवलप कर सकते हैं, या फिर कोई भी टिश्यू यूज करके, या फिर कोई भी प्लेंट पार्ट को यूज करके हम लोग नया प्लेंट डेवलप कर सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, तो इसको माइक्रो प्रोपागेशन जो है उसका और एक नाम हम लोग यूज करते हैं जनरली, वो है टिश्यू कल्चर। तो प्लेंट सेल का सेलुलर टोटिपोटेंसी जैसा प्रॉपर्टी होने की वजह से हम लोग इसको इजीली एज ए नया प्लेन बॉडी डेवलप कर सकते हैं फॉर्म ए सिंगल सेल। तो ये हो गया हम लोग का माइक्रो प्रोपागेशन। अभी देखो ये जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर मेथड। एंड दिस आर्टिफिशियल मेथड्स आर वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट, या फिर इन द फील्ड ऑफ एक इकोनॉमिक इकोनॉमिक यूज। ठीक है, इकोनॉमिक यूज के लिए ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि कम, एक तो क्या होता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कम टाइम में कोई भी प्लेन पार्ट से हम लोग नया प्लेन डेवलप कर सकते हैं। तो उसका रिपीट प्रोपागेशन की वजह से हम लोग इसको जनरली यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक। जनरली जो नर्सरीज होता है इनमें ये आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज वेरी कॉमन। क्लियर? अभी हम लोग चलते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, व्हिच इज कॉल्ड एज कटिंग। ठीक है, तो कटिंग क्या है? देखो कटिंग में बहुत सारा टाइप ऑफ कटिंग है। कटिंग मतलब सिंपली समझो, कोई भी प्लेन पार्ट को काट के हम लोग उससे नया प्लेन डेवलप कर सकते हैं। इट में भी रूट, इट में भी स्टेम, और इट में भी लीफ। फर्स्ट जो है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज रूट कटिंग। रूट कटिंग के केस में अगर देखो, दीज आर लॉन्ग पीसेस ऑफ रूट्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रोपागेट न्यू प्लांट। ठीक है, तो व्हाट इज रूट कटिंग? दीज आर लॉन्ग पीसेस ऑफ रूट्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रोपागेट न्यू प्लांट्स। जैसे ये किसके केस में दिखाया जाता है, जनरली यूज किया जाता है लेमन प्लांट या फिर ब्लैकबेरी प्लांट के केस में। रूट कटिंग इज द कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, सेकेंड वन जो है, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज स्टेम कटिंग, विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्टेम कटिंग अगर देखो, हाउ द प्रोसेस ऑफ स्टेम कटिंग इज कैरीड आउट, ये इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने जो दिया है यहाँ पे अच्छे से देखो। 2 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस ऑफ 1 ईयर ओल्ड, ये हम लोगों को समझना होगा। ये नहीं कि कोई भी स्टेम को काट के हम लोगों ने लगा दिया वही से नया प्लांट डेवलप होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम लोगों को समझना होगा कितना लेंथ चाहिए। 2 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस ऑफ 1 ईयर ओल्ड स्टेम आर कट। ठीक है, तो पहले स्टेम को काटना होगा, वो भी एज कितना होना चाहिए एक पर्टिकुलर स्टेम का, एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए। देन स्टेम का जो लोअर एंड होता है या फिर बेसल पार्ट होता है, द लोअर एंड ऑफ स्टेम इज डिप्ड इनटू, डिप मतलब डुबा के रखना होगा, इनटू द रूट प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हम लोग आजकल मिलता है रूट प्रोमोटिंग हॉर्मोन कॉमर्शियली इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और पेस्ट या फिर लिक्विड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्टेम हम लोगों ने काटा है 1 ईयर ओल्ड स्टेम को, उसका जो बेसल पार्ट होगा उस स्टेम का, उसको हम लोग रूट प्रोमोटिंग हार्मोन जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब जो रूट प्रोमोटिंग हार्मोन्स है उसकी हम उसमें हम लोग डीप करके रखेंगे फॉर अबाउट 15 to 30 मिनट्स बिफोर प्लांटिंग इन द सोयल। तो इन द मीन टाइम क्या करते हैं, जो बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है रूट प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स। एंड वही बेसल पार्ट को जब हम लोग सोयल में लगा देते हैं, कुछ दिन बाद क्या होगा, उसी से धीरे धीरे करके रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाय दिस प्रोसेस स्टेम कटिंग इज जनरली यूज। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टेम कटिंग जनरली किसके केस में यूज होता है, जैसे रोज, शुगर केन, टी, चाइना रोज एट्सेट्रा, इनके केस में ये जो स्टेम कटिंग जो है इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
जो हम लोग घर में भी कर लेते हैं। तो घर में हम लोग जो ट्रेडिशनली क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रूट प्रमोटिंग फैक्टर तो हम लोगों के पास नहीं होता है घर में, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली उस बेस टिप ऑफ द रूट के ऊपर हम लोग काउडांग या फिर मिट्टी का एक माउंड बना के उसको हम लोग ढक देते हैं, और टाइम टू टाइम वी हैव टू यूज और वी हैव टू स्प्रे द वाटर, एंड कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके प्लेन बॉडी या फिर रूट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। बट आर्टिफिशियली अगर हम लोग जल्दी करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट प्रमोटिंग हार्मोन को यूज कर सकते हैं टू डेवलप ए न्यू प्लेन फ्रॉम द स्टेम, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्टेम कटिंग। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन इज विच इज कॉल्ड एज लीफ कटिंग। तो लीफ कटिंग अगर देखो स्नेक प्लांट, ये वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एस्थेटिकली मतलब इसका जो लीफ जो होता है दिखने में सुंदर भी होता है, प्लस ये बोला जाता है कि स्नेक प्लांट्स आर एयर प्यूरिफायर। आजकल ये कोई भी लोग घर में भी लगा लेता है टू प्यूरिफाई द एयर। तो स्नेक प्लांट जो है, स्नेक प्लांट कैन बी प्रोपागेटेड बाय लीफ कटिंग। ये स्नेक प्लांट का एक स्पेशल फीचर होता है। स्नेक प्लांट का लीफ अगर हम लोग ले लेते हैं तो टिप ऑफ द लीफ काटने के बाद उसको अगर हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं, कुछ दिन बाद धीरे धीरे वही से नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो स्नेक प्लांट का अगर यहाँ पे जेनरिक नेम अगर देखो क्या है, सेसेवियरिया, एंड दूसरा जो प्लांट है जिनके केस में सेम लीफ कटिंग इज पॉसिबल विच इज कॉल्ड एज बिगोनिया। तो ये हो गया हम लोग का थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग, रूट कटिंग जिनमें रूट को काट के वही रूट से नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं, स्टेम कटिंग में स्टेम को यूज कर सकते हैं, एंड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टेम कटिंग हम लोग क्या कर सकते हैं टू डेवलप द रूट फॉर्मेशन, हम लोग रूट प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स को यूज कर सकते हैं। एंड लीफ कटिंग के केस में, लीफ कटिंग इज नॉट कॉमन इन केस ऑफ ऑल प्लांट्स, और जनरली जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है स्नेक प्लांट या फिर बिगोनिया, इनके केस में लीफ कटिंग पॉसिबल है। तो लीफ पार्ट को हम लोग काट के वही से नया प्लांट बॉडी डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग। अभी हम लोग चलते हैं लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग अगर देखो, व्हाट इज लेयरिंग, लेयरिंग इज कैरीड आउट इन वन ईयर ओल्ड सेल ब्रांचेस। यहाँ पे भी देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेयरिंग के केस में, इसके केस में भी वन ईयर ओल्ड बेसल ब्रांचेस आर जनरली यूज्ड, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, लेयरिंग इज कैरीड आउट इन वन ईयर ओल्ड बेसल ब्रांचेस इन विच स्मॉल कट इज गिवेन। थोड़ा काटना होगा, जहाँ पे काटा है द इंजोर्ड पार्ट इज पैक्ड इन सॉयल। पैक मतलब मिट्टी के अंदर डालना है टू डेवलप एडवेंटिशियस रूट, एंड पैक डाउन ब्रांच ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड लेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको लेयर बोलेंगे। प्लांट का जो पार्ट मिट्टी के अंदर हम लोगों ने दबा के रखा है उसी को हम लोग बोलेंगे लेयर। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लेयरिंग क्या है, लेयरिंग इज कैरीड आउट इन वन ईयर ओल्ड बेसल ब्रांचेस इन व्हिच ए स्मॉल कट इज गिवेन। थोड़ा काटना होगा या फिर इंजोर करना होगा, सिंपली समझो हम लोगों ने बार्क को रिमूव कर लिया, ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। देन द इंजोर्ड पार्ट इज पैक्ड इन द सॉयल टू डेवलप एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट मतलब जो रूट प्लांट का कोई भी पार्ट से डेवलप होता है उसको हम लोग बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट, और द रूट विच इज डेवलप ओनली फ्रॉम द रेडिकल उसको हम लोग बोलेंगे टेप रूट। तो वो तो अलग चीज़ है। तो एडवेंटिशियस रूट हम लोग डेवलप कर सकते हैं फ्रॉम द पैक्ड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, और जो पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी मिट्टी के अंदर हम लोग पैक करके रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेयर। ये तो क्या कुछ आइडिया अबाउट द लेयर लेयरिंग। लेयरिंग का भी अगर देखो, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग आर जनरली यूज इन हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट जो लेयरिंग है विच इज कॉल्ड एज माउंड लेयरिंग, या फिर कभी कभी इसको बोला जाता है स्टूल लेयरिंग। माउंड लेयरिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप या शूट इज प्रूंड, ठीक है, शूट इज प्रूंड एंड लोअर पार्ट इज कवर्ड विद सोयल, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ द स्टेम जो उसको हम लोग सोयल से कवर अप कर लेते हैं। व्हेन ए नंबर ऑफ शूट्स आर डेवलप, धीरे धीरे क्या होगा, सेवरल नंबर ऑफ शूट्स आर डेवलप, सोयल एंड सो डस्ट आर पुड इन द फॉर्म ऑफ माउंड। माउंड मतलब एक हम लोग लंप हम्प जैसा एक लेयर बना सकते हैं ऑफ सोयल, काउडांग, सो डस्ट, ये सब मिला के। एंड जब धीरे धीरे रूट का फॉर्मेशन होता है, रूटेड शूट्स आर देन सेपरेटेड एंड प्लांटेड। तो ये तो थियोरिटिकली हो गया, इमेज के थ्रू अगर देखो शायद तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो बेसल ब्रांचेज जो होता है, बेसल ब्रांच के ऊपर क्या होता है, एक माउंड बनाया जाता है। माउंड मतलब
इसमें क्या होगा, मिट्टी होगा, काव डंग होगा, सोडास्ट होगा, एंड टाइम टू टाइम इसमें पानी भी हम लोग को डालना होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, द बेसल ब्रांचेस जिसको हम लोग जिसके ऊपर हम लोगों ने मिट्टी का एक लेयर डाला है, इसमें धीरे धीरे देखो रूट का डेवलपमेंट होगा। जैसे ही रूट का डेवलपमेंट होगा, जो जो स्टेम और शूट्स में रूट का डेवलपमेंट हुआ है उसको हम लोग काट लेंगे, काट के उसी से और एक नया प्लांट हम लोग डेवलप कर सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ लेयरिंग इज कॉल्ड एज माउंड लेयरिंग, ठीक है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ लेयरिंग इज कॉल्ड एज गोटी और एयर लेयरिंग। तो गोटी और एयर लेयरिंग अगर देखो इसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट अगर देखो इन दिस प्रोसेस 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बार्क, ठीक है, बार्क मतलब समझ में आ रहा है कवरिंग ऑफ द स्टेम या फिर ब्रांचेस। तो 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बार्क इज रिमूव्ड। पहले हम लोग को बार्क को रिमूव करना होगा एंड ग्राफ्टिंग विथ मिक्सचर ऑफ क्ले काउडंग एंड कवर इट विथ द हेल्प ऑफ प्लास्टर। तो यहाँ पे अगर देखो पहले हम लोगों ने देखो बार्क टिश्यू रिमूव, यहाँ पे बार्क बार्क टिश्यू जो है ये पूरा एक ब्रांच है, बीच में से देखो बार्क टिश्यू हम लोगों ने रिमूव कर लिया कर लिया। उसके बाद क्या आ गया है, देखो मॉइस्ट सॉइल जिसमें क्या क्या होना चाहिए, मिक्सचर ऑफ क्ले काउडंग, ठीक है, उसका एक माउंड बना के हम लोग उसके ऊपर लगा सकते हैं। लगाने के बाद क्या करेंगे, वो जो माउंड हम लोगों ने लगाया वो ड्राई होके ना गिरने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग पॉलीथीन उसको हम लोग अच्छे से टाइट करके रखेंगे, हो गया। एंड जहाँ पे हम लोगों ने ये टाइट करके रखा है, ये जो मॉइस्चर सोयल मॉइस्चर सोयल और मॉइस्ट सोयल को हम लोगों को टाइम टू टाइम पानी वाटर प्रोवाइड करना होगा टू मेंटेन द मॉइस्चर। एंड एलोंग विद द वाटर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रूट प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स लाइक IAA। ये तो पता है IAA का फॉर्म क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इट इज ए ऑक्सिन टाइप ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सिन या फिर रूट प्रोमोटिंग हॉर्मोन को उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं टू डेवलप द रूट फ्रॉम द दिस पार्ट ऑफ एयर लेयरिंग। आफ्टर 3 or 4 month रूट इज डेवलप एंड देन जैसे यहाँ पे रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा, उस पूरा जो ब्रांच है उस ब्रांच को हम लोग काटेंगे, काट के यही ब्रांच को हम लोग यूज करेंगे एज ए न्यू प्लेन बॉडी, और यही ब्रांच से नया प्लेन बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ये जनरली किसके केस में किया जाता है, लीची चाइना रोज गुआवा इनके केस में गोटी और एयर लेयरिंग जनरली क्या किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का गोटी और एयर लेयरिंग। फिर से मैं देख समझा रहा हूँ, देखो इसमें पहले क्या करना होगा, 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग बार्क इज रिमूव्ड एंड जहाँ पे बार्क को रिमूव किया उसमें मॉइस्ट सोयल डालना होगा। उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्ले काउडंग, ठीक है, उसका एक हम्प बना के उस कटा हुआ पार्ट के ऊपर वो हम लोगों को लगाना है। उसके बाद टू प्रिवेंट द ड्राइंग प्रोसेस उस मॉइस्ट सोयल को हम लोग कवर अप कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉलीथीन एंड टाइम टू टाइम उसमें हम लोगों को वाटर एंड रूट प्रोमोटिंग फैक्टर्स हम लोग उसमें स्प्रे या फिर यूज कर सकते हैं टू डेवलप द रूट। एंड जैसे रूट का डेवलपमेंट हो जाएगा उस पूरा ब्रांच जो है ब्रांच को हम लोग काट के नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्या है, गोटी और एयर लेयर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वन व्हिच इज कॉल्ड एज सिंपल लेयर। सिंपल लेयरिंग अगर देखो इज वेरी बेसिक। सिंपल लेयरिंग में क्या होता है, सॉफ्ट बेसल पार्ट इज इंजोर्ड एंड पेट एट वन प्लेस। जिसे किसके केस में दिखा जनरली किया जाता है, चेरी ग्रेप एटसेट्रा इनके प्लेस में, इनके इन दिस टाइप ऑफ प्लांट ये सिंपल लेयरिंग इज जनरली। तो यहाँ पर देखो इमेज देखो, इसका जो बेसल पार्ट जो है बेसल पार्ट को थोड़ा काट के क्या किया जाता है, मिट्टी के नीचे प्रून किया जाता है। उसको कुछ दिन रखने के बाद क्या होगा, ये जो बेसल पार्ट मिट्टी के अंदर हम लोगों ने दबा के रखा है, यहाँ से धीरे धीरे करके रूट का फॉर्मेशन होगा। एंड जैसे रूट का फॉर्मेशन होगा यहाँ से हम लोग उस बेसल ब्रांच को काट सकते हैं, वही से नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल लेयर। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेयरिंग। तो आज के लिए मैंने यहाँ तक किया है अबाउट द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल में मैंने क्या क्या डिस्कस किया है, वन इज कटिंग एंड अनदर वन इज लेयरिंग। तो बाकी रहा क्या क्या, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपागेशन। तो वो माइक ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपागेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए यही तक है। थैंक यू, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड इम्प्रूव योरसेल्फ।